अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा सफ़र है वो बहावलपुर से शुरू होकर अहमदपुर शहर किया, वहाँ से हम दिलावर फोर्ट इंशाल्लाह जाएंगे और दिलावर फोर्ट से वापसी पे उच्च शरीफ से नेशनल हाईवे 5 से हम होते हुए इंशाल्लाह सीधा सखर पहुँचेंगे। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि यह हमारा सफ़र बखैर वाफियत गुजरे और हम अपने टाइम पर डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। आमीन। तो जनाब, यहाँ पे सफ़र हमारा शुरू हो गया आज का और ट्रैफिक भी हल्की फुल्की है, मौसम बहुत अच्छा है माशाल्लाह और सुबह सुबह का वक्त है और रात को बारिश भी हुई है जिससे मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। अभी रश में से यहाँ से निकलते हैं तो आगे चलेंगे अहमदपुर शरकिया की तरफ और अल्लाह करे कि हमारा ये सफ़र बख़ैर आफियत से गुजरे। काफ़ी ग्रीनरी है बहावलपुर में और रोड भी काफ़ी अच्छे हैं। ये जी बल्दिया का ट्रक लेके जा रहा है गंदगी। और रात को बारिश से सेफ कर रखने के लिए मैंने अपना चार्जर और जो मोबाइल माउंट है उसको जो है ना सेफ रखा हुआ था बारिश से। उम्मीद है सेफ ही होगा, अभी चेक करेंगे तो पता चलेगा। अभी तो ज़रूरत नहीं है चार्जिंग की। नेशनल हाईवे 5 है ये, अभी ज़रा हम खींचते हैं स्पीड को। आज जो हमने रास्ता तय करना है वो 600 से ज़्यादा किलोमीटर्स हैं। तो जनाब, हम बहावलपुर से तो बाहर निकल आए हैं और अभी ज़रा खींचते हैं मामले को ताकि ज़्यादा कम वक्त में हम जो है ना दिलावर फोर्ट तक पहुँच सकें, क्योंकि रास्ता अच्छा खासा लंबा है और हमारे लिए अननोन भी है कि रास्ते में रोड की कंडीशन कैसी होगी या हम जो है तो बाइक के साथ कोई टायर पंचर वगैरह प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मांगते हैं जी, देखते हैं क्या होता है। भला हो इन ट्रक वालों का जो हारन के बगैर भी जो है ना डिपर पे भी साइड पे कर लेते हैं, वरना इन लोगों को कौन जो है ना हिला सकता है। Thank you.
इतनी स्पीड में चलते हुए भी हमें ये जो है ना मीनार नज़र आए, और जिसकी वजह से हमने बाइक को स्लो किया, और इसका गुंबद भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। टाइम नहीं है, नहीं तो हम जो है तो उतर के बिल्कुल करीब से जो है ना एक्सप्लोर करते इस जगह को। लेकिन बहरहाल चलते हैं आगे। अच्छा, बार बार भी मैं बताने में मजबूर हो रहा हूँ कि ये जगह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। आउट क्लास रोड और आउट क्लास सीनरी, यकीन माने मुझे तो बहुत ही मज़ा आ गया, और उम्मीद है आपको देख के भी मज़ा आ रहा होगा। बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना अच्छा म्यूज़िक सुन के जो है ना बोलने का जी नहीं चाह रहा। सोचा हूँ कि आपके लिए कोई एक अच्छी ऐसी चीज़ प्रेजेंट की जाए कि जो आप जो है ना देखें और सुने, दोनों चीज़ों में मज़ा आ जाए। तो मुझे उम्मीद है मैं कामयाब हुआ होगा। ठीक है, आगे भी चलते हैं, और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आखिर इतनी मेहनत की गई है तो एंजॉय तो करना फिर बनता है ना जी। अच्छा, तो इस वक्त हम अहमदपुर दिनावर फोर्ट रोड के ऊपर हैं, और अहमदपुर शर्किया से दिनावर फोर्ट तकरीबन कोई 50 किलोमीटर दूर है, और 2 घंटे की ड्राइव है। बहुत ज़बरदस्त मौसम, किसान अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम। अच्छा, ये जो राइट लेफ्ट आपको जो फसल नज़र आ रही है, ये सब चावल की फसल है, और करीब करीब इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगी।
चावल खाएंगे, बड़ा इधर जो आने का हमारा डिसीजन था वो वाकई अब यहाँ पे आके मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा डिसीजन हमने लिया है। सिंगल रोड है, बहरहाल फिर भी बहुत अच्छी है, अच्छी खासी वाइड है और कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का फ्लो भी नहीं है जिससे कोई परेशानी हो। मौसम गर्म है और लेफ़्ट साइड पे तो पानी है थोड़ा बहुत, जिससे जो है ना थोड़ी थोड़ी हवा लग रही है। बहरहाल ओवरऑल अब मौसम काफ़ी गर्म होता जा रहा है क्योंकि जो फसल है हमारी वो पक चुकी है। फिर भी हम कह सकते हैं कि वेदर कंडीशंस बहुत अच्छी रही हैं अभी तक। होप के इंशाल्लाह आगे भी ऐसा ही मामला रहेगा। यार शुक्र है कि आबादी नज़र आई, वरना तो हालात मैनू जो लग रहे सन कि असी के पता कितने तक बॉर्डर ना किधर पार कर जाइए। यार कुछ हालात इस तरह के नज़र आ रहे सन और शुक्र है कि बंदा जो है नज़र आया। यार चलो हूँ किधर पूछ पुछा लेने या नवी पूछा तो चलो उम्मीद है इंशाल्लाह हूँ तो असं पहुँच जाएंगे।